नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था धर्मराज युधिष्ठिर मुजवान पर्वत से राजा मरुत का छोड़ा हुआ धन वापस हस्तिनापुर लाते हैं और इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी होती है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। हस्तिनापुर का यज्ञ मंडप देवराज के यज्ञ मंडप की भांति ही बनाया गया था। यज्ञ मंडप तथा साथ वाले भवनों में जितना भी सामान था वह सारा सोने का था। बाहर से आए मेहमानों को विशेष रूप से इन सोने के महलों में ठहराया गया। इस यज्ञ में विश्व भर के ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानपूर्वक खाना खिलाने का महान कार्य युधिष्ठिर ने इतिहास में पहली बार किया। सब ब्राह्मणों को दिल खोल कर दान दिया। इतना दान उस दिन से पहले कभी किसी राजा ने नहीं दिया था। सभी लोग अश्वमेघ यज्ञ की प्रशंसा कर रहे थे कि अचानक एक नेवला वहां आया जिसका आधा शरीर सोने का था। वह इंसान की बोली बोलता हुआ कहने लगा, हे पृथ्वीनाथ, आपका यह अश्वमेघ यज्ञ कुरुक्षेत्रवासी उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण सतुप्र रथ के बराबर नहीं है। आप लोग सुनो, वे ब्राह्मण जितेंद्रिय सदाचार तथा अपनी पत्नी पुत्र के साथ तपस्या करते थे तथा दिन में एक बार ही रात्रि में अपने मेहमान को भोजन करा स्वयं तपस्या करते थे। एक बार सभी लोग 6-7 दिन से उपवास में थे। एक दिन उस ब्राह्मण को अंजलि भर अनाज मिल गया जिससे सत्तू बनाकर चारों ने बांट लिया। अभी वे इसे खा भी ना पाए थे कि एक ब्राह्मण वहां आ गया और एक एक करके वह चारों का हिस्सा खा गया। सारा परिवार भूखा रहा। उस ब्राह्मण के इस त्याग को देखकर वह ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गया। यह धर्मदेव देवता थे। उन्होंने खुश होकर वरदान दिया, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा से अक्षय लोक जीता है, अब तुम अपने परिवार सहित अक्षय लोक में जाकर आनंद लो। वे सब के सब स्वर्ग लोक चले गए। उसके जाने के पश्चात मैं वहां गया। मैंने ब्राह्मण का जूठा थोड़ा सा गिरा हुआ सत्तू खा लिया। उसे खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उस नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर ने व्यास जी की ओर देखा। व्यास जी हंसकर बोले, धर्मपुत्र, चिंता की कोई बात नहीं, यह नेवला नहीं क्रोध देवता है जो किसी मुनि के शाप के कारण नेवला बना हुआ है। उस मुनिवर ने यह कहा था कि जब भी तुम धर्म के विरुद्ध बोलोगे तो तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इसने इस यज्ञ की निंदा की। अब इसके सारे पाप कट गए। यह शाप से मुक्त होकर वापस देवलोक जाकर वहीं क्रोध बन जाएगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।